हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाष। देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, कौन सा स्टॉक हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक्सपायरी डे पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हो सकता है। मैं डायरेक्शन प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर हम लोग देखेंगे पहला 15 मिनट कैंडल बहुत ही अच्छा एक डायरेक्शन दिया, गैप अप खुलने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि ये मार्केट 43,000 से लेकर 42,500 इसी रेंज के अंदर, कल हम लोगों ने प्लान किया था इसी रेंज के अंदर रह सकता है। पहला ही कैंडल एक साफ सेलिंग आया, उसके बाद थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने मिली और उसके बाद ये ऑलमोस्ट 42,250 तक आने के बाद प्राइस एक्शन बना है कि वोलेटिलिटी फिर से 42,600, दैट मींस 42,500 का कहीं ना कहीं ये ट्राई कर रहा था बेस बनाने के लिए। ज्यादातर यहीं पे ही प्राइस रिजेक्शन भी हुआ था और इसके नीचे थोड़ा सा क्लोज दिया है, समय अराउंड 360 के आसपास, सॉरी 400 के आसपास क्लोज दिया है अगर नेट टू नेट बेसिस में देखेंगे तो। मोर ओवर मॉर्निंग आवर में इतने लोग शॉर्ट किए होंगे या फिर गैप अप खुलने के कारण अगर अच्छे प्रीमियम मिले होंगे शॉर्ट किए होंगे उन लोग अच्छा मोमेंटम मिला होगा। उसके बाद थोड़ा सा डाइसी था बाइंग के लिए, मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में अच्छा अपॉर्चुनिटी था, सेकेंड हाफ पे यहाँ पे एक ट्रेंड मिला। ये आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा 15 ईएमए में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो यहाँ पे एक मोमेंटम था, उसके बाद फिर वॉलेटिलिटी होकर क्लोज किया। अभी प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, देखिए दो चीज़ें हो सकती है। अगर मार्केट के अंदर सच में न्यूज है एंड कुछ पैनिक का सिनेरियो है तो डोंट वरी अबाउट इट, मार्केट आपको खुद ही बता देगा बाय ओपनिंग गैप डाउन। अगर गैप डाउन खुलता है, इमेजिन करो 42,100 42,000 ये लेवल के आसपास अगर कहीं पर गैप डाउन खुलता है, अगर इस तरीके का गैप डाउन खुलता है 200 300 400 पॉइंट अगर ये गैप डाउन खुल रहा है तो बेटर है आप लोगों के लिए, क्योंकि आई भी स्पाइक करेगा, बेटर है थोड़ा सा ओटीएम में आप कॉल प्लान कर सकते हो शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ओटीएम में अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा और थोड़ा सा आप लोग दूर रहोगे क्योंकि एट द मनी पे प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगा। आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो, वहां पे 100 200 पॉइंट ऊपर नीचे बहुत ईजिली हो जाएगा। जब भी आईबी बढ़ता है उसके साथ वॉलेटिलिटी बढ़ता है एंड प्रीमियम भी बढ़ता है, और प्रीमियम जितने लोग ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैंगल करते हैं उन लोग के लिए ईजी होता है, और अच्छा अगर एक दो हॉलीडे मिल जाए तो स्ट्रैडल्स में भी अच्छा पैसा मिलता है। तो कल थोड़ा सा बेरिशनेस में क्लोज हुआ है तो यहाँ पे हम लोग बायसनेस अभी रखेंगे नहीं, अभी बाइंग कहां पे प्लान करेंगे 42,600 के ऊपर। अगर इमेजिन करो मार्केट फ्लैट खुला या थोड़ा सा गैप अप खुल के 42,600 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, यहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकता है टिल 42,800 850 या 900 ये लेवल तक हम लोग को मिल सकता है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुला या थोड़ा सा गैप अप खुला तभी हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा अगर ये नीचे की तरफ आ रहा होगा फ्लैट खुल के, अगर इमेजिन करो 600 ना जाकर ये 42,250 ये सारे लेवल क्रॉस कर रहा है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट हम लोग का 42,000 के आसपास होना चाहिए। अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया तो थोड़ा सा वेट करना प्राइस एक्शन के लिए, क्योंकि यहां से हो सकता है साइकोलॉजिकल लेवल है 42,000, यहां से इमीडिएटली अगर रिकवर कर गया तो आपको प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, क्वांटिटी आप कर लेना उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए भी हम लोग एक बार क्लोज करने दीजिए फ्राइडे, फिर हम लोग वीकली चार्ट में देखेंगे एग्जैक्टली हम लोग कहां पर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आता है बहुत ज्यादा मोमेंटम करता है और अच्छा पैसा मिलता है। अगर थोड़ा सा क्लोज करने दीजिए कल वीकली कैंडल, उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे एग्रेसिव ट्रेड करना है या नहीं करना है। निफ्टी अगर देखेंगे सिमिलर गैप डाउन खुलने का स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आया, एक बेस बनाया 18,075 18,050 18,000 ये सारे एक सपोर्ट एरिया है, ये डिमांड एरिया है, उसी एरिया के आसपास कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज ले रहा है। कल अगर मार्केट गैप अप खुल के 18,175 या 180 200 इस लेवल पे अगर आपको मिलेगा तब हम लोग कुछ क्वांटिटी परचेस कर सकते हैं एंड हम लोग का स्टॉप लॉस 25 से 30 रुपया होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट होना चाहिए। अगर कल गैप डाउन खुलता है दैट 18,000 के आसपास, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गैप डाउन खुलता है इमेजिन करो 70 80 पॉइंट नीचे और 18,000 टच करता है, उसके बाद अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बाइंग के साइड भी बनता है तो भी हम लोग बाई कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से रिएक्ट कर सकता है मार्केट, तो रेडी रहना। गैप डाउन खुला, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, थोड़ा सा हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है या कंटिन्यूसली लो हिट कर सकता है। अगर लो हिट कर रहा होगा हम लोग कम क्वांटिटी में सेल करेंगे, अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुलने का नीचे आता है अच्छा लेवल हम लोग को मिलेगा 18,100 के नीचे, हम लोग इसको सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं 25 से 30 रुपए स्टॉप लॉस डाल के। चलिए भी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं, पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। अगर हम लोग देखेंगे कंटिन्यूसली सेम रेंज के आसपास 1 से 2 महीना इस तरह निकाल दिया है, अभी थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो यहां पे क्रिएट हो रहा है। यहां पे अगर देखेंगे बाइंग का सेंटिमेंट था तो ये जब भी नीचे आ रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग के लिए हम लोग देख रहे थे, ये पुल बैक बाइंग के लिए, यहां पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली नीचे आ रहा है और आज एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है। इनसाइड कैंडल मतलब हम लोग को बस वेट करना है, ये ब्रेकडाउन करेगा स्टॉप लॉस यहां पे होना चाहिए और क्वांटिटी आपको आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप यहां पे प्लान कर सकते हो, उसके बाद हम लोग को मिनिमम 1:2 या 3 का टारगेट होना चाहिए। अगर इमेजिन करो कल गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर चला जाता है यहां पे क्रॉस करके तो हम लोग बाई करेंगे और सेम कैंडल के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस है, यहां पे हम लोग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं एंड सेम 1:2 का हम लोग का टारगेट रहेगा। तो एक छोटा सा बॉडी बनाया है, एक इनसाइड कैंडल बनाया है, तो हम लोग कल वेट करते हैं कौन से साइड ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। अगर ब्रेकडाउन होता है वेल एंड गुड, और यहां पे ये सपोर्ट भी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, अभी ये ट्राई करेगा, यहां पे गैप है तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो बहुत
बड़ा टारगेट मिल सकता है, ये बहुत टाइम तक वेट कर रहा है। नो डाउट अगर एक अप ट्रेंड के बाद अगर ये वेट करता है तो ये जनरली अपसाइड के लिए होता है, लेकिन इतना ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुका है एंड ये अभी लोअर रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग एक चांस ले सकते हैं। अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है उसके बाद 1600 का राउंड लेवल है, इसके नीचे आता है तो हम लोग ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, इसको बाइंग के लिए हम लोग रखे हैं क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ, उसके बाद पॉज कैंडल बनाया है। तो जनरली क्या होता है, बड़ा मोमेंटम पॉज फिर कंटिन्यू करता है, कल अगर कंटिन्यू करेगा तो ये ट्राई करेगा इसके ऊपर निकलने के लिए, लेकिन हम लोग को अच्छे लेवल पर मिलना चाहिए। समय अराउंड 4800 के ऊपर ही हम लोग प्लान करेंगे, 10 से 15 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। इसके ऊपर क्रॉस करने के बाद ही हम लोग बाई करेंगे 4800 के ऊपर। अगर इमेजिन करो 4760 50 ये सारे लेवल पर अगर ओपन होता है तो फिर हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। ओपनिंग प्राइस अगर 4775 से लेकर 20-25 रुपये ऊपर नीचे अगर खुलता है तभी एक अच्छा सिनारियो यहाँ पे मिल सकता है बाइंग के साइड। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी ट्रांस, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये ग्रुप के स्टॉक मैंने आपको 2 दिन से दे रहा हूँ और बहुत अच्छा मूव कर रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा अप मूव में जा चुके थे। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं, यहाँ पे हेल्दी करेक्शन भी आपको बहुत बड़ा मूव देखेगा। यहाँ पे 2 दिन से बहुत अच्छा मूव दे चुका है, आपका एडियंट देख लीजिए, अदानी पोर्ट देख लीजिए, वहाँ पे भी अच्छा खासा एक मोमेंटम चल रहा है। डाउन साइड सेलिंग प्रेशर में है लेकिन क्लोजिंग अच्छा नहीं है, तो इसके लिए मैंने उन दोनों स्टॉक को इग्नोर किया था। आज ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं 2500 के नीचे क्लोजिंग, और इसको नीचे ले जा सकता है 2515 के नीचे हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। 7-8 रुपीज का स्टॉप होना चाहिए एंड 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट होना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक के साथ फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।